अपने पास भैया बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि मैजिक भी लेके आई, मैजिक आने वाले समय में आने वाले समय आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? लोडिंग इस पे भैया 12.5 क्विंटल होती है, 17 क्विंटल एक्स्ट्रा लॉन्ग है ना? अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, एक्स्ट्रा डिमांड ना करिएगा, बढ़िया पैसे रखिएगा। 1.5 लाख डिमांड है, नेगोशिएबल है ना? बिल्कुल। एएस व्लॉग्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और शशांक। तो दोस्तों, आप लोग की बहुत डिमांड पर पिकअप का वीडियो लेके आ गए हैं। बहुत दिन हो गया था पिकअप का वीडियो, काफ़ी दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। आज जो कलेक्शन है उनमें इधर भी पिकअप लगाई हुई है, उधर भी बोलेरो पिकअप है, एक छोटा हाथी भी है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कलेक्शन नहीं है, लेकिन नई जगह है, ऐसी गाड़ियाँ हैं जो रुकती नहीं हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं। तो जिसको भी बोलेरो पिकअप मैक्सी ट्रक की क्वेरी थी वो आज रिजॉल्व कराएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग डील दिखाएंगे। और जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह का नाम है न्यू बाराबंकी कार बाज़ार। यहाँ का बहुत ही अच्छा अच्छा बोलेरो पिकअप का डेडिकेटेड कलेक्शन दिखाएंगे। तो चैनल पे जो भी पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करिएगा, तभी आपको ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के प्राउड ओनर को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोज़ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए वो डिस्प्ले पर ये रहे। एस ब्लॉक्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बहुत दिन बाद हम जी पहली बार इवेंट आ रहे हैं और आज बोलेरो पिकअप का डेडिकेटेड कलेक्शन दिखाएंगे जी। अब यहाँ पर बहुत सारी बोलेरो पिकअप हैं, कुछ गाड़ियाँ निकल गई हैं तो उन्हें वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, देर कर दिया आपने आने। चलिए ठीक है, हम आएंगे ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया, जब भी कलेक्शन अपडेट होगा आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करेंगे। आज क्या कलेक्शन वैसे दिखा रहे हैं? वो छोटा हाथी है, लोरो पिकअप है, और जो है वो खड़ी मैक्स खड़ी है, मैक्स खड़ी है। ठीक है, ऐसी सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे। अपने पास भैया बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि मैजिक भी लेके आई, मैजिक आने वाले समय में आने वाले समय आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? आएगी तो उसका भी वीडियो अपडेट करेंगे। आज पहले शुरू कर रहे हैं टाटा SST से जी। जी, कौन सा मॉडल है? ये 2013 मॉडल है। 13 मॉडल है, लखनऊ का नंबर है, लखनऊ नंबर है। पेपर वर्क कम्प्लीट है? कम्प्लीट है जी। कितना चल गई होगी ये गाड़ी? मान के लिए समथिंग चलेगी, एक के समथिंग, मतलब एक के समथिंग। इन गाड़ियों की लाइफ तो खत्म होती नहीं है, उसमें लाइफ नहीं खत्म होने वाली होती है, रहती है। और अभी ये गाड़ी कंडीशन टॉप नॉच में, बहुत बढ़िया मतलब काम हम तो कराना नहीं कराना है, टायर से लेके सब कुछ ओके है। 702 cc में आती है, टाटा एस ST है, बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है। थोड़ा बहुत पेंट हुआ है भैया? हाँ, पेंट हुआ है। डाला वाला खाया भैया? हाँ, तो नहीं है? नहीं नहीं खाया नहीं। ठीक है, बढ़िया गाड़ी है। क्या प्राइस भैया करेंगे इसके? 1.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। फर्स्ट ओनरशिप पे जी? ठीक है, 1.5 लाख डिमांड है, नेगोशिएबल है ना? बिल्कुल नेगोशिएबल है। अब अपने पीछे भी देख रहे होंगे बैकग्राउंड में दो पिकअप खड़ी हुई है। अभी फिलहाल हम ये बोलेरो पिकअप पे आते हैं भैया, कौन सा मॉडल है? ये 2017 मॉडल है। 2017 है, ऊंचा मॉडल है, यानी फर्स्ट ओनरशिप है? हाँ, फर्स्ट ओनरशिप। ये कितना चल गई होगी? ये जो है 80-85 के आसपास में चली होगी। 80-85 इसी के आसपास चली हुई रहती हैं। अपने यहाँ मीटर डाउन तो नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं सिस्टम नहीं है। जिसको भी डाउट हो मैकेनिक लेके आए, बिल्कुल शोरूम लेके जाए, रिकॉर्ड निकलवाए, कुछ भी चेक कराए, उसके बाद ही डील करें। हाँ, उसके बाद। 17 मॉडल है बोलेरो पिकअप। FB तो है नहीं, ये नॉर्मल वाली है? नॉर्मल वाली है, नॉर्मल लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग। ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, पिकअप है और फर्स्ट ओनरशिप है, 2017 है। लोडिंग इस पे भैया 12.5 क्विंटल होती है? 17 क्विंटल एक्स्ट्रा लॉन्ग है ना? अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, एक्स्ट्रा डिमांड ना करिएगा, बढ़िया पैसे रखिएगा। क्या डिमांड करेंगे? 4,75,000 रुपये डिमांड करेंगे। तो 4,75,000 में आपको 2017 की फर्स्ट ओनरशिप बोलेरो पिकअप मिल रही है। अब इसकी हो गई डील। बगल में भी भैया बोलेरो पिकअप मैक्सी ट्रक खड़ी हुई है, इसकी भी बताइए डिटेल। ये 2017 जैसी है। 17 है जी, फर्स्ट ओनरशिप है। हाँ, कितना चल गई होगी ये? 65,000 चल गई। 65,000 ऑन रिकॉर्ड, जिसको भी डाउट हो वो चेक कराए। ये इसकी लोडिंग्स क्या होगी? 15, 12.5 के आसपास। ठीक है, देखिए बोलेरो में कई ऑप्शन आते हैं, 12.5 भी आता है, 15 भी आता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग खड़ी है, 17 भी आता है, तो काफ़ी कई तरीके की वैरायटी हैं आप लोग के लिए। जो भी अच्छी गाड़ी लगे आप नंबर लीजिए, नंबर डिस्प्ले करता रहता है, चेक करिए कितनी लोडिंग है, आप ऐप के थ्रू चेक भी कर सकते हैं। अब ये 2000 भैया कितना बताया? 2017 ये भी है, फर्स्ट ओनरशिप है, 65 चली हुई है, ओनरशिप फर्स्ट ही है। क्या डिमांड करेंगे? ये जो है
4 लाख रुपए तकरीबन 4.5 जी ठीक है। अब 4.5 में आपको बोलेरो पिकअप ये भी मिल रही है, इसके लिए जा सकते हैं अपने पास भैया बगल में एक और बोलेरो पिकअप खड़ी है, एक्स्ट्रा लॉन्ग वो भी है, एक्स्ट्रा लॉन्ग वो भी है ठीक है, वो भी 2017 मॉडल है, 17 ही सारी थी अपने पास ठीक है, 17 ही है, एक्स्ट्रा लॉन्ग वो भी है, फर्स्ट ओनरशिप फर्स्ट ओनरशिप कितना चल गई होगी ये जो है चली है 1,28,000 1,28,000 तो देखिए 1,28,000 चली है तो 1,28,000 है, ये नहीं कि उसको डाउन करके 28 कर दें। बाकी आपको जो भी डाउट हो अपनी डाउट के लिए आप क्लियर करिए, यहाँ से पूछिए, पूछने के बाद आप शोरूम ले जाइए, चेक कराइए, पेंट वेंट भी है इसकी कंडीशन का, पेंट इसको कंपनी में लगी हुई थी ना तो इसका रेड तो वाइट कराया गया ठीक है, तो रेड था वाइट कराया है क्योंकि वाइट ही सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और वाइट ही चलती है सड़कों पर कॉमर्शियल में, सारे कॉमर्शियल हैं भैया। क्या ओनरशिप बताया आपने, फर्स्ट ओनरशिप क्या डिमांड करेंगे उसकी 5 लाख रुपए 5 लाख ठीक है, 5 लाख है, एक्स्ट्रा लॉन्ग है, अब इसी के आसपास सारी गाड़ियां थी जी। अपनी खाली छोटा हाथी छोड़ के फाइनेंस की क्या सुविधा है, फाइनेंस हो पाएगी कि नहीं, समय तो नहीं है कोई सुविधा इनमें नहीं है ठीक है, आना पड़ेगा कैश ही देना पड़ेगा, फुल कैश हार्ड कैश ले लेंगे, हार्ड कैश ले लेंगे और आरटीजीएस भी ले लेंगे, आरटीजीएस एनईएफटी चेक जो भी मोड हो आपके पास, चेक वाला मोड नहीं होगा, नहीं होगा ठीक है, चेक नहीं होगा यानी हार्ड कैश आरटीजीएस एनईएफटी यानी बैंक का फोन पे गूगल पे भी एक्सेप्टेबल है ठीक है, सारे अवेलेबल है, अभी फाइनेंस की सुविधा नहीं है, जब होगी तो वीडियो के थ्रू हम लोग अपडेट करेंगे। अब भैया अपन सब किस जगह खड़े हुए हैं, किसी को आना है तो किस समय कॉल करें, न्यू बाराबंकी कार बाजार, ये बिंद्रा धर्म काटा है उसके जस्ट बगल में ठीक है, नया बस स्टॉप भी है साहब पास में ठीक है, बाकी कॉल करके डिटेल ले सकते हैं, ले सकते हैं, एड्रेस भी डिस्प्ले हो रहा होगा, हमारे साथ अब्दुल जी खड़े हुए थे, भैया अपने पास कॉलिंग टाइम किस समय लोगों को सहूलियत हो, अपने को भी अच्छे से सहूलियत हो कि हम डिटेल दे पाएं, रात में नहीं दिन में क्या कॉल टाइमिंग होगी, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ठीक है, तो 10 से 6 के बीच में आप कॉल करिए, बढ़िया सी डिटेल दी जाएगी, जो भी गाड़ी की क्वेरी है वो भी मिलेगी, नहीं होगी तो अवेलेबल भी करा सकते हैं, ऑप्शन सारे हैं, तो भैया मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डील के बाद, ऐसे ही इंटरेस्टिंग डील के लिए आप चैनल पे बने रहिए, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, तब तक के लिए कोरोना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।